हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास सिक्स की वर्कशीट नंबर थर्टी जो कि ट्वेंटी सेवेंथ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की, की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं डू यू नो रिपीटिंग नाउंस कैन मेक अ सेंटेंस साउंड ऑड दिज वी यूज़ प्रोनाउंस टू अवॉइड दैट फॉर एग्ज़ाम्पल देखो होता क्या है कि अगर हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो वो पढ़ने में बहुत वियर्ड लगेगा और ऐसा ना हो और सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगे ब्यूटीफुल लगे इसलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख रख रक, दिखा रखा है इसको देखते हैं जिग्नेश प्लेस क्रिकेट जिग्नेश इज़ दी कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम जिग्नेश क्रिकेट खेलता है जिग्नेश स्कूल टीम का कैप्टन है जिग्नेश बैट्स वेल और वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है जिग्नेश इज़ ऑल्सो दिकेट कीपर ऑफ द टीम जिग्नेश टीम का विकेट कीपर भी है जिग्नेश इज़ गुड इन स्टडीज़ टू और जिगनेश पढ़ाई में भी अच्छा है जिगनेश लवस टू रीड बुक्स और जिगनेश को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो जिग्नेश नाम है कितनी सारी बार रिपीट हुआ है ठीक है यानी एक नाम यानी नाउन इस दो लाइन का सेंटेंस है और इसमें एक दो तीन चार पाँच सिक्स टाइम्स ये सिंगल नाम रिपीट हुआ है और इसको पढ़ के बहुत ही अजीब सा साउंड आ रहा है अब क्या करते हैं हम नाउन की जगह प्रोनाउंस को लिखते हैं और फिर देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसा लगेगा जिग्नेश प्लेस क्रिकेट जिग्नेश क्रिकेट खेलता है ही इज़ द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम और वो स्कूल टीम का कैप्टन है ही बैट्स वेल वो बहुत अच्छे से बैटिंग करता है ही इज़ ऑल्सो द विकेट कीपर ऑफ़ द टीम और वो टीम का विकेट कीपर है ही इज़ गुड इन स्टडीज़ टू और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है ही लव्स टू रीड बुक्स और उसे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है तो अब देखो पहले सेंटेंस में क्या हुआ था जिग्नेश 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 सिर्फ उसी का नाम लिया जा रहा था पर सेकेंड वाले हमने सेंटेंस में देखा इस जिग्नेश की जगह बार बार ही यूज़ हुआ है इसका मतलब जिग्नेश नाउन है और ही प्रोनाउन है और ही यूज करने के बाद ये सेंटेंस काफी ज्यादा अच्छा साउंड करने लग गया है ठीक है अब नीचे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है चूज प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड्स अब यहाँ पे हमें खुद कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और इन सेंटेंसेस में नाउन को रिप्लेस करके हमें प्रोनाउन लिखना है ठीक है पहला सेंटेंस है माय नेम इज़ रेणुका यू कैन कॉल रेनुका रेनू तो आप क्या बोलते हैं किसी को कि मेरा नाम रेणुका है और आप मुझे रेणु कह सकते हैं तो इस रेणुका की जगह आ जाएगा मुझे और मुझे की इंग्लिश होती है मी तो पहले भी आ जाएगा मी ठीक है सेकेंड है द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज द बेबी वॉज हंग्री बेबी रो रहा था क्योंकि बेबी को भूख लगी थी तो यहाँ पे बेबी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ही ठीक है तो सेकेंड वाले सेंटेंस में आ जाएगा द बेबी की जगह आ जाएगा ही थर्ड यहाँ पे सी पार्ट है डोंट टच दैट नाइफ उस चाकू को टच मत करो द नाइफ़ इज़ वेरी शार्प अब द नाइफ़ की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं नाइफ क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो इसकी जगह हम यूज़ करते हैं इट तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे It, और सेंटेंस बन जाएगा इट इज वेरी शार्प ये बहुत ज्यादा शार्प है डी पॉइंट है आई इनवाइटेड अनु राम एंड गीता टू द पार्टी मैंने पार्टी में अनु राम और गीता को इनवाइट किया है बट अनु राम एंड गीता डिड नॉट कम पर अनु राम और गीता नहीं आए अब यहाँ पे अनु राम एंड गीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहां पे तीन लोग हैं तो तीन लोग के लिए हम लिखेंगे दे तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा कि आई इन्वाइटेड अनुरू राम एंड गीता टू द पार्टी मैंने अनुरू राम और गीता को पार्टी में इन्वाइट किया था बट दे डिड नॉट कम पर वे नहीं आए ठीक है नेक्स्ट है जेम्स 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 प्लेज बास्केटबॉल जेम्स बास्केटबॉल प्ले करता है जेम्स ऑल्सो प्लेज टेनिस और जेम्स टेनिस भी प्ले करता है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जो जेम्स है वो बास्केटबॉल प्ले करता है और वो टेनिस भी प्ले करता है और जेम्स क्योंकि एक लड़का है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही ठीक है नेक्स्ट है द टीचर टोल्ड माई क्लास दैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड द टीचर टोल्ड माई क्लास टीचर ने मेरी क्लास से कहा कि वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड की हम प्ले ग्राउंड में खेल सकते हैं तो माई क्लास की जगह हम यहाँ पे अस का यूज़ भी कर सकते हैं ठीक है और ये सेंटेंस बन जाएगा द टीचर टोल्ड अस दैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड एंड लास्ट है शीतल इज़ माय बेस्ट फ्रेंड शीतल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है आई गो टू द स्कूल विद शीतल मैं स्कूल शीतल के साथ ही जाती हूँ अब शीतल के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हर क्या यूज करेंगे हर शीतल इज माई बेस्ट फ्रेंड शीतल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उसके साथ ही मैं स्कूल जाती हूँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद दी प्रोनाउंस यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर लिखने हैं और उन आंसर में हम यूज करेंगे प्रोनाउंस का ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है हु इज दैट बॉय वो लड़का कौन है और लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं ही या शी तो बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही तो इसका आंसर आ जाएगा ही इज़ रोहित बी पॉइंट है सेकेंड पार्ट हु इज़ दैट गर्ल वो लड़की कौन है और गर्ल के लिए हम यूज़ करते हैं शी तो हम लिखेंगे शी इज़ मीना वो मीना है थर्ड है हु आर डैश हु आर तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दे वे कौन है तो आंसर आ जाएगा दे आर माई अंकल एंड आंट वो मेरी अंकल और मेरे आंट uh, हैं फोर्थ पॉइंट है वेयर डू दे लिव वे कहाँ रहते हैं तो आप आंसर में लिखेंगे दे दे लिव इन डेली हमेशा एक चीज याद रखना जो दे है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है और देम लास्ट में यूज होता है मतलब दे एक सब्जेक्ट है और देम एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है ठीक है अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द रेन चिल्ड्रेन यानी बच्चे रेन में खेल रहे हैं कॉल दे और देम इन साइड तो कॉल देम उन्हें घर में बुलाओ तो कॉल देम इन साइड उन्हें अंदर बुलाओ फिर सिक्स पॉइंट है वी मस्ट आस्क देम टू कम वी मस्ट आस्क अब वी यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट आ ही चुका है तो हम दे दोबारा यूज़ नहीं करेंगे वी मस्ट आस्क देम टू कम इन साइड फास्ट तो आ, हमें उन्हें अंदर जल्दी ही बुलाना चाहिए अदरवाइज दे माइट फॉल सिक अदरवाइज दे दे माइट फॉल सिक ठीक है बच्चों तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू